अब्बा। हाँ बेटा। तुम्हारी बहू ने आज खाना बनाई है। तो अच्छा ही बनाया। वो भी सास सास मिल के, है ना मम्मी? उन्होंने बनाई तो अच्छी। तो काम हो रहा है तो वो दिखाती हूँ। तभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं सेकंड फ्लोर पे। ये जो पोजीशन है ये नीचे 20 का है। अच्छा, ये यहाँ से खड्डा मारेगा भी ये सब पूरा तोड़ के सब ऐसे ऐसे नीचे जाता है। कितना तक चंदे? हाँ ये सब ये गया है। तो मम्मी सब किचन का सामान लेके जा रहे। किधर जा रहे हो? दूसरे घर में? क्या कर रहे मेरा बेचारा मदद के साथ? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज है जुम्मा, सो आप सभी को हम दोनों की तरफ से जुम्मा मुबारक। सो अभी मैं जस्ट वजू कर रही हूँ, मैं पूरी इंट्रो दे देती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ने जाती हूँ। दानिश तो नीचे ही है, नमाज़ पढ़ने गए हैं। वो आते तो उनसे ही मिलते हैं, जुम्मा मुबारक कहते हैं। सो आज बहुत प्यारा दिन रहता है जुम्मा का, बहुत एकदम सुकून लगता है नमाज़ पढ़ने के टाइम पे भी। तो जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं, फिर बात करते हैं। सो मेरी नमाज़ हो चुकी है और दानिश भी आ गए हैं। सो पहले दानिश को जुम्मा मुबारक कर लेते हैं, फिर मैं आगे की बात करती हूँ। जुम्मा मुबारक। हाथ नहीं चूमूंगी मैं, तुमको चूमना चाहिए। मैं खाना बना रही थी। अभी भी चालू है जमात। सो मैंने दाल गोश बनाया और दानिश ने लेके आए है गरम गरम रोटी। इतनी बड़ी रोटी लाए क्यों? वन बाई टू करेंगे। अच्छा, तो आज दाल गोश्त के साथ रोटी रोटी खाएंगे। और आप लोगों को पता है जुम्मा के दिन दाल गोश्त तो सबके घर में फेमस है, बनता ही बनता है ना यो। तो अभी जल्दी जल्दी नमाज तो हो गई है, अब्बा का वेट करते हैं। अब्बा आएंगे तो सब मिल के खाएंगे, है ना? अब्बा। हाँ बेटा। तुम्हारी बहू ने आज खाना बनाई है। अच्छा ही बनाया। वो भी सास सास मिल के, है ना मम्मी? उन्होंने बनाया तो अच्छा ही होगा। मैं ना जुम्मा मुबारक का जो दाल गोश बना हूं। जुम्मा को दाल गोश की शक्ल देखो, माशाल्लाह अच्छी है। और इसकी देख, जैसा तो अच्छी मिसाई शर्मा रही है। नहीं नहीं, बहू ने बनाई तो अच्छा ही बनाई है। अच्छा, तो रोज बनाती है, बाकी आज दिखा दे ब्लॉग में, है ना? तो मैं टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा दाल गोश का हाथ का। और इतनी बड़ी रोटी लाया मैंने नौसिंगी साइज की, रोटी की साइज खराब क्या हो, जो साइज हो साइज ऐसी नहीं है। चलो मम्मी की साइज की है, पतला पतला उससे जैसी है। हाँ, ऐसा मन होता है हाथ में डंडा लू। तो कैसा कैसा लगे अब्बा? बहुत किसी सस्ते को मार दिए। अल्लाह 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 भाई, पानी ये क्या हो गया? चलो अब्बा भी चालू कर रहे हैं आम खाने के बाद, देखता हूँ टेस्ट कैसा है। नींबू चाहिए तो कैसा है अब्बा? मसाला अच्छा है। अच्छा है, चलो एक रिव्यू अच्छा मिला तुम्हारा। ये पापड़ लाए थे, रोटी लाए? पापड़ भी लाए, पापड़ इधर है। ये तंदूरी रोटी ऐसी होती, पापड़ ऐसी होती है, पागल। फेमस है ये रोटी, चाय में खाने के जैसे और खिचड़ी में खाने जैसे। ये दाल गोश्त के लिए लेके आए। लो सेकंड बारी मम्मी की, मम्मी ने उसको बताया कैसा बनाने का। किसो किसो मैंने भाग रहे तुम, तो मम्मी का रिव्यू अभी देखते। जल्दी खाओ मम्मी, पंजोली जाने का। मैंने कैसा कैसा पूछ रहा। दाल गोश पहली बार बनाया तुमने? कैसा है? अच्छा, इसमें तो पास हो गई हूँ, अभी मैं देखती हूँ आगे क्या करूँगी। मैं चाहता तो शर्ट उतार सकता था, हरी आती। बाकी मैं पता जान तो मेरी ऑडियंस बहुत है, इसलिए मैं हार गया, खुद से ही हार गया। तो है ना, तू जीता वो जीते की है ना। हाँ, जो जीता जो हारा एक ही है, एक ही को कैनेडियन आ रहा। सो खाना हो चुका है और अभी मैं हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर पर। सो मम्मी का जैसे काम हो रहा है तो काम देख लेते हैं क्या क्या हुआ है, और जो मदद करनी रहेगी वो कर लेंगे। सो मिलते हैं डायरेक्ट मम्मी के वहाँ पर।
तो जैसे कि मैंने आप लोग को बोली थी कि मैं मनिका जा रही, तो काम हो रहा है तो वो दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, नहीं सेकंड फ्लोर पे। तो जो टूट रहा है वो अपा वो एक भी दिखा दे। पता है, चलो चलने नहीं हो रहा, क्या पता पैर में गुदगुदी हो रही है। चलो बोलो अब क्या बोल रहा हूँ। पोजिशन है नीचे बीच का है, खड्डा मारेगा पूरा तोड़ गया। यहाँ पर भी खंबे लग गए टेकर। जाओ चलो, तुम ठोकने जा रहे हो। ये ठोक रहे, ये बोले तो जल्दी से नीचे हो जावे, समझे। ये यहाँ से टूट के अपना नीचे का घर आता है। ये पूरा टूटेगा, नीचे जाएगा, ये तोड़ेगा। हाँ बंद, चलो ठीक है। क्या पता क्या है, ये तो खंडर है। ये तो यहाँ से, ये तो वो थी टेरी से। कितना तक चंदे, ये सब ये गया है मेरे को बोलता, मैं तुमको कहाँ देखता हूँ, नहीं मैं कहीं नहीं देखा। कपिल के शो में देखो तुम्हारे को, मैं नहीं गया कभी भाई। तो यहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ, ऊपर लोग पर कभी विजिट नहीं करते। तो देखे तो इतना सारा इतना बना हुआ इधर। अब ये टेरिस है, टेरिस ऊपर है इसके, ठीक है। तो मम्मी सब किचन का सामान लेके जा रहे, किधर जा रहे हो, दूसरे घर में। ये तो सब भर भर के लेके जा रहे। अभी तुम लोग अच्छा पकाने का टेंशन नहीं, पकाने का ऊपर पकाने का ही तो है। सॉरी, मतलब घर दूसरे घर से मंगाने की जरूरत नहीं, चाहे सना दीदी ला ला के दे रहे थे। और आज मैंने दाल गोश बनाई, मैंने बोली भी लेके आ रही, तो बोले नहीं हमारे घर में खाना आ गया है ना मम्मी। छुट्टी छुट्टी बोल रहे सामने फोन करी थी तुम्हारे को, बोला मम्मी लेके दाल गोश, नहीं बेटा हमें खाली खाना। ला ला देखो इनका किचन, देखो कितना गंदा है। साफ रहता, बोलो पहले सही से तू मैंने खाना भेजने बोली थी कि नहीं, वरना तुम्हारी बुराई करूंगा। मैंने बोली थी कि खाना मेरे को भेज दो, तुम लोगों ने बोले थे हमारे में खाना नहीं है। अल्लाह मेरा बाप का है। अब्बा देखो क्या क्या हुआ, मैंने तुम्हारे को बोली थी ना खाना लेके जाओ, दाल गोश्त। अरे कैसे ये लोग, क्या ये लोग मेरे को बदनाम करना चाहते हैं ब्लॉग में। आप लोग कमेंट करो जान बुझ के बोलो कि तुम कैसी बेटी हो, तुमको भेजना चाहिए खाना किसी और के घर से आ रहा है ये वो। तुम लोग यही चाहते हो ना, इसके लिए तुम लोग उससे लड़ रहे थे ना उस दिन। हाँ आज भी लेके आ रहे थे, तुमने तो बोले लेके आ, तुमने तो मत लेके आ। सना बेचारी पटाखे बना के फोन कर, कट कर हो गया। अभी बोलो जान दो अपन अपने सच्चे, देखो गलती बोल गई सना, फटाक से बोल कट 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 भर लिए किचन का सामान। चलो अभी कोई तुम्हारे को बना बना के देगा नहीं, ऐसा फरामोश लोग हो तुम लोग। कलर को इनने क्या बना दिए, इधर देखो किचन बना दिए उसको। और तो ये लोग आज यहाँ रह गए, आज नहीं रह गए मतलब यहाँ शिफ्ट हो गए। तो पलंग भी बिछा दी, वहाँ ये वॉशिंग मशीन के लो मेरा टी शर्ट लटका के रखे वॉशिंग मशीन पे। क्या फेंको मत, एक दो घर में करने के लिए काम आता है। हाँ ऐसी दाल दो, आओ इतना अच्छा लग रहा है ना इधर किचन। मम्मी तुमको धूप भी आएगी वहां से, वाओ थक गए। क्या कर रहे मेरे बेचारे मनत के साथ, अल्लाह बेचारा बेचारा उठा उठा कैसी बेचारी मजबूरी हो गई ना इन लोग की। हो बहुत भारी पड़ता है घर शिफ्टिंग करना, ये तो कुछ नहीं है। अभी तो दूसरे घर में जाओगे तब क्या करोगे, तब तो कबाड़ फ्रीज सब रेडी लेके जाऊंगी। जब मेरे पे आए थे लोग तो हंसते थे, हाँ देखो कितने पार्टी वाले बन गए, कितने लबाचे, ऐसी भारी पड़ता है। अभी भी तुमको एक दो दिन लगेगा ये सब सेट करने। क्या लेके आये, ये लेकिन अंडे तो वाइट है, अंडे बेचूंगा वो। अच्छा बेचेंगे, दो पैसा मिलेगा ना भाई। ये इनकी शक्ल के अंडे लेके आए, ये इसकी शक्ल के, ये बेचारा लंबा तार लेके आया था। सो गाइज हम लोग आ गए थे हमारे घर पर और खाना वाना हो चुका है और अभी जा रहे हैं हम लोग डायरेक्ट सोने। सो मिलते हैं कल सुबह वापस से अगले व्लॉग में। सो मैं यही व्लॉग एंड कर रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।